आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है वॉक देन स्टॉप। सिंपल सा टॉपिक है वैसे, वॉक के बाद स्टॉप कैसे करना, रोकना कैसे है उसे। और ये सिंपल सा है वैसे, बिल्कुल सिंपल सा है। और इसमें ऑलरेडी मैंने आपको वॉक साइकिल बता दिया, वॉक साइकिल कैसे करते हैं, सिंपल वॉक साइकिल। बाकी वॉक साइकिल के बाद भी आप काम कर सकते हो अगर आप उसको और डिटेल में काम करना चाहते हो। जैसे कि मैं वही वॉक साइकिल ले रहा हूँ जो एक नॉर्मल वॉक साइकिल आपको बताया था, सिंपल वॉक साइकिल। अगर यहाँ पे देखोगे, ये सिंपल वॉक साइकिल ही यहाँ पे वॉक कर रहा है, तो आप इसको अच्छे से काम कर सकते हो उसके स्विच के अंदर जाके, अगर आप थोड़ा इतना सीख चुके हो नॉर्मल तरीके से, और बेहतर कर सकते हो इसके अंदर जाके। तो लेकिन अभी वॉक तो हो गया, लेकिन अभी इसको रोकना कैसे है ये हम यहाँ पे सीखेंगे। सिंपल है, और वैसा ही जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, सिंपल के बारे में सीखना सीखना पड़ता है, स्टेजिंग के बारे में सीखना पड़ता है, बस वही रहता है। बाकी एनिमेशन एक जैसा होता है, एक्टिंग हमेशा डिफरेंट होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। यहाँ पे जाके मुझे फॉलो कीजिए, आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें, कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइस, अगर आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मंडे को मेरा नया क्लास स्टार्ट है। यहाँ पे लाइव क्लास में होता क्या है, जबकि हमने इतने सारे वीडियो फ्री में दिया है। गाइस, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आता है कि कोई डाउट आता है तो डाउट लेके आप बैठे रहते हो, तो यहाँ पे यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइफ टाइम अपने टीचर से आप डाउट पूछ सकते हो। यहाँ पे हम आपको कंप्लीटली कार्टून स्टोरी बनाना सिखाते हैं। 2 महीने में 15 क्लास लगता है, एक के बाद एक लेक्चर नहीं लगता है। पहले एक लेक्चर आता है, फिर आपको 3 से 4 दिन 5 दिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए हम देते हैं। जब कोई प्रैक्टिस के दौरान में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो एनी डेस्क में, जूम में या फिर गूगल मीट पे आके हम सारे डाउट को क्लियर करते हैं। जो ये डाउट वाला, जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम वाला जो आप हेल्प है वो आप लाइफ टाइम ले सकते हो। लाइफ टाइम आप लर्न मिशन के स्टूडेंट यहाँ पे बन जाते हो जैसे ही आप ये क्लास को ज्वाइन करते हैं। ये जो क्लास है ये मंडे को स्टार्ट है, 29 जनवरी। अगर आपको इस क्लास को ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको करेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक यानी कि फाइनल कार्टून स्टोरी में बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगता है, जितना भी यूट्यूब के लिए हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी, बर्ड स्टोरी है, यहाँ पे आप कंप्लीट बनाना सीख जाओगे। लेकिन गाइस, प्रैक्टिस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है डाउट, जो कि लाइफ टाइम के लिए आपको यहाँ पे दिया जाता है। जो यहाँ पे फीस है 8,000 है, वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है। जब आप यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिस करते हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप सीधा अपने टीचर को कॉल कर सकते हैं। तो जिसको भी ये क्लास को ज्वाइन करना है, मंडे को 29 जनवरी को स्टार्ट है ये वाला बैच, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मेरे पास ये पूरा एक करेक्टर है जिसपे ये एनिमेशन ऑलरेडी हो चुका है। मेरे मुताबिक आपको एनिमेशन करेक्ट वॉक साइकिल आता है जो प्रॉपर तरीके से मैंने आपको नॉर्मल वॉक साइकिल बताया कि इस तरह वॉक साइकिल करते हैं। अब ये जो वॉक साइकिल है इसे रोकना कैसे है, तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले जाहिर सी बात है पूरा का पूरा एक सीन होगा। पूरा का पूरा एक सीन होगा तो सीन पे ही हम काम करेंगे। मतलब कंपाइलिंग मतलब जब होगा ना, स्टेजिंग होगा, तो वहीं पे तो हम ये वॉक देन स्टॉप करेंगे। पर यहाँ पे मैंने अलग से ये टॉपिक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अंदर वॉक है, यहाँ पे वॉक है, तो वहाँ पे क्या होगा, जब वहाँ पूरा स्टेजिंग होता है तो वहाँ पे 2 बार आपको करना पड़ेगा इसको। दो पहले इसको पूरा सिंबल करना पड़ेगा, सीन के अंदर जाके काम करते हैं। पर यहाँ पे मैं आपको यहीं पे बताऊँगा, तो यहीं पे प्रैक्टिस करना, पहले बाहर ही प्रैक्टिस करना सीन पे। तो जैसे आपके पास ये होगा, तो अब क्या करूँगा मैं, इसको पहले यहाँ रखूँगा दिखाने के लिए, थोड़ा इसको छोटा कर दूँगा, इतना कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बंदा यहाँ से चल के आएगा, बाहर से यहाँ से चल के आएगा, तो लगभग मैं यहाँ पे रख लो, मैं यहाँ पे कितना करता हूँ, 32 करता हूँ या फिर 33 करता हूँ। ध्यान देना कि जब आप कभी भी वॉक को स्टॉप करोगे ना, तो ये ज़रूर ध्यान देना कि जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे 32 या 33 के आसपास करता हूँ, 132 इतना सही है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो पैर है ना, ये यहाँ पे अभी इतना मुड़ा है और ये पैर यहाँ पे ज़मीन पे है। ऐसा नहीं करना कि आपने जैसे कि मान के चलो ये यहाँ पे है, इतने पे भी रोक सकते हो, लेकिन मैं अभी यहाँ पे रोकने की कोशिश करूँगा 32 पे, या 33 पे भी कर सकता हूँ, पर 33 पे फिर ज़्यादा हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, मैं 32 पे रोकूँगा इतने पे। तो मैंने ये करना सबसे पहले, आप कहीं पे भी की लगा सकते हो, तो मैंने यहाँ पे 32 पे की लगा दी F6, तो इतना कर दिया। और यहाँ पे राइट क्लिक किया, क्रिएट लास्टिक ट्विन, पहले तो उसको वॉक करवाऊंगा ना स्टेज पे, तो उसको उठाया और यहाँ तक रख लिया वॉक पे। तो पहले देखूंगा कितना स्पीड से चल रहा है, तो यहाँ पे देखोगे इतना, अभी मुझे लग रहा है एक जगह पे चल रहा है, तो थोड़ा सा इसको और आगे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे इस तरह ये वॉक करके आगे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल एंटर मारूंगा तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ये वॉक करके इस तरह आगे आएगा। अब ये वॉक करके आगे आएगा, रुकेगा कैसे,
ये एक जगह वॉक तो नहीं करेगा, रुकेगा कैसे, ये हमने सीखना है कि वॉक करके अब ये रुकेगा कैसे। तो इसके लिए इसके लिए जैसे ये वॉक करके ऐसा आया, इसके पीछे बीजी भी हो सकता है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे, ये सीखने वाली बात है, आपने क्या करना है, जो ये वाला जो पूरा का पूरा करेक्टर है, यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको नज़र आए, तो यहाँ पे इतना करता हूँ। तो जो ये वाला की है ना, यहाँ पे आप यहाँ पे नया की पे भी एफ6 कर सकते हो। मैं इसी की को, जो ये वाला की है, इसी की को उठा के ऑल्ट के साथ आगे लाता हूँ। तो जब मैंने ऑल्ट के साथ आगे लाया, तो वो पूरा डुप्लीकेट की हो गया, वही की आ गया आगे, मतलब डुप्लीकेट नहीं बोलते, वही की सेम आ गया, कॉपी पेस्ट, मतलब सेम की है। तो यहाँ पे दोनों पे सेम की है। अभी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे, अगर इस सिंबल का नाम हमारा सिंबल 2 है, तो इसका नाम भी हमारा सिंबल 2 ही है, 2 ही है। तो सबसे पहले अगर मुझे इसको रोकना है, तो यहाँ पे मुझे पहले इसको डुप्लीकेट करना है। फिर से बताता हूँ, पीछे से मैंने इसको वॉक करके लाया यहाँ तक, इतना किया और क्लासिक ट्विन दिया, तो आगे तक चलते हुए ऐसा दिखा। अगर आपको लग रहा है कि फास्ट चल रहा है, तो थोड़ा इस वाले करेक्टर को पीछे रखो। अगर आपको लग रहा है स्लो चल रहा है, यहीं पे पीछे हो रहा है, तो आगे करो, तो फिर आपको ये वॉक करते हुए ऐसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। ये इतना दिख गया, तो इसी वाले की को आपने ऑल्ट के साथ आगे उठाया, तो वो कॉपी हो गया। पर ये ध्यान रखना, पोज ये होना चाहिए, ये, या फिर ये रख लो या उल्टा पैर रख लो, तो ये पोज में रखना, बस इस बात का ध्यान रखना। इतना क्लियर है। और उसके बाद मैं एक की आगे के, इसी की को उठा के आगे रखा। अब अगर मुझे इसके अंदर काम करना है, क्योंकि इसके अंदर जाऊंगा तो वही सब सारी की यहाँ पे लगी है चार, अगर मैं इसके अंदर कुछ भी काम करता हूँ, तो पीछे भी काम हो जाएगा, बिकॉज सिंबल है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा रहेगा डुप्लीकेट सिंबल। तो डुप्लीकेट सिंबल मतलब पहले ये सिंबल 2 था, मैं मान के चलो इसको रख लूँगा एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे सिंबल 2 था, तो मैं इसको सिंबल 3 कर देता हूँ, सिंबल 3, तो इसको मैंने सिंबल 3 कर दिया। तो यहाँ पे सिंबल 3 भी नहीं मानता, चलो कुछ भी कर देता हूँ, ABC कर देता हूँ, ABC कुछ भी नाम दे देता हूँ, तो मैंने इसको ABC नाम दे दिया। तो अभी यहाँ पे देखोगे, जो ये सिंबल का नाम है, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है यहाँ पे ABC, तो पीछे क्या है, पीछे हमारा जो सिंबल का जो नाम है वो है सिंबल 2। इसका मतलब है सिंबल 2 के अंदर जो काम करूँगा वो ABC के अंदर काम नहीं होगा। मतलब हमने राम का श्याम बना दिया, आर्यन का घन श्याम बना दिया, जो भी है, मतलब डुप्लीकेट कर दिया उसे। अब ये बाहर से डुप्लीकेट हुआ, अब मैं इसके अंदर जाता हूँ, तो अगर मैं अब मुझे इसके आगे इसको रोकना है, तो मैं इसके आगे की, अगर अभी तो यहाँ पे है, जैसे मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, इसके अंदर जैसे डबल क्लिक करके जा रहा हूँ, तो बिल्कुल 7 पे आ रहा हूँ, की लगी है। अगर मान के चलो ये यहाँ पे होता, तो हमें यहाँ पे एक नई की लगानी थी, लेकिन अभी नहीं लगानी है, बिकॉज यहाँ पे की है। तो इनको आपने पूरा पकड़ना, राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लियर की फ्रेम, और राइट क्लिक किया दोबारा, रिमूव क्लासिक ट्विन, खत्म कर दिया। अब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि पिछला जो वॉक है उसके अंदर का कुछ खराब हुआ, कुछ भी खराब नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप यहाँ पे ABC के अंदर गए, ना कि सिंबल 2 के अंदर गए। और अब क्या करना, जो ये पैर है, ये वाला पैर है, ये तो ज़मीन पे रहेगा, तो इस पैर को आपने यहाँ पे आके सिंगल फ्रेम कर देना। मैं आपको स्टार्टिंग से अगर एक चीज़ मैं आपको अगर बताया भी होगा, और मैं नहीं भी बताया, तो फिर से सुन लेना, एनिमेटर हमेशा एक्टिंग करता है तब जाके पता करता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप खुद चलिए, वॉक करिए, फिर रुक, खुद अपना, मतलब जब रुकते हो आप, तो थोड़ा देखिए कि आप कैसे रुक रहे हो, तो जैसे रुक रहे उसी एक्टिंग को आपने अप्लाई करना। तो मैं इस पैर को ज़मीन पे ही रखूँगा, ये पैर को सिंगल फ्रेम कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ इसके अंदर कोई एनिमेशन रहे, सिर्फ ये ऐसा सीधा ही रहे। तो पर मैं चाहता हूँ कि ये इसके अंदर एनिमेशन रहे, क्योंकि ये आगे जाके ज़मीन पे पैर होगा, पर ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसके अंदर सीधा जाके एनिमेशन करने लग गया, तो क्या प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बाहर से तो ये ABC है, लेकिन अंदर से ये जो ये वाला सिंबल है ना, इसका नाम है सिंबल 9 कॉपी 4। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा वाला जो सिंबल 2 है, उसके अंदर भी ये वाले सिंबल का नाम सेम है। तो अगर हम इस सिंबल के अंदर काम करेंगे, तो दूसरे सिंबल के अंदर भी काम होगा, पैर के अंदर। तो इसीलिए हमें इसे राइट क्लिक करके इसे भी डुप्लीकेट करने की ज़रूरत है, अगर इसके अंदर काम करना है। तो इसका नाम भी हमने XYZ कुछ भी रख लिया, इतना कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, तो इतना काम हो गया यहाँ पे, तो अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे देखोगे, मैंने फिर से एक बार बाहर आता हूँ ना, तो ये वाले सिंबल पे मैंने इसके अंदर जाता हूँ, तो ये सब काम कर दिया ऐसा, जबकि पिछले वाले सिंबल पे जो ये वाला सिंबल है, उस सिंबल के अंदर मैंने पूरा काम वैसा का वैसा ही है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। तो पिछले वाले सिंबल पे हमारा इस वाले पैर का नाम यहाँ पे है सिंबल 9 कॉपी 4, जबकि हमने जो अगला वाला किया यहाँ पे, इसका नाम भी बाहर से भी अलग है और अंदर से भी अलग है। तो इतना कर दिया, इसके बाद इसके अंदर चले जाना,
और ये सब कर दिया। इसके बाद मैंने मान के चलो यहाँ पे की लगा दिया, इतने पे की लगा दिया, F6 किया और यहाँ पे आके राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन किया और यहाँ पे आया। अब जब ये बॉडी यहाँ पे आया तो पहले क्या करेगा, अभी देखोगे ना, ये यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अब ये नीचे की तरफ आएगा ना बॉडी, ऊपर की तरफ यहाँ पे थोड़ा बड़ा करता ताकि आपको नज़र आए। वैसे इसको मैं कितना बड़ा कर सकता हूँ, 5x थोड़ा बड़ा कर दो, इतना ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, अब नीचे की तरफ आएगी तो आप क्या करोगे, पूरा पार्ट को सिलेक्ट करोगे, पिछले पार्ट को अनसेलेक्ट करोगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ करोगे और साथ में हेड को यहाँ पे नीचे की तरफ रोटेट करोगे और ये जो हाथ है इसको ज़रा सा पीछे की ओर, क्योंकि देखो हाथ को पीछे क्यों करोगे ये भी बता देता हूँ, इसीलिए एक्टिंग का पार्ट है। यहाँ पे देखोगे मेरा ये हाथ ये ऐसा करते वक्त पीछे की ओर आ रहा है और पिछला वाला हाथ आगे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे, इस हाथ को ज़रा सा पीछे की तरफ करेंगे ऐसा और इस वाले हाथ को ज़रा सा आगे की तरफ करेंगे ऐसा। तो ये कैसा हुआ, अभी ये ऐसा हो गया, ऐसा यूँ इतना। लेकिन जब ये इतना हो गया, ये जो पैर है सीधा ज़मीन पे नहीं रखेगा, इसके लिए जो ये पूरा का पूरा जो इसके अंदर जो हमने ये डुप्लीकेट किया ना यहाँ पे, जो भी लिखा यहाँ पे अलग नाम रखा, जो इसके अंदर जो ये आगे वाला है ना, ये वाला आप हटा दो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पीछे, बिकॉज हमने इसको डुप्लीकेट कर दिया। तो अभी ये कैसा, ये ऐसा ही रहेगा यूँ। अब इतना काम कर दिया और यहाँ पे आया और इसको यहाँ से थोड़ा सा आगे किया इतना, क्योंकि वो सीधा पैर नहीं रखेगा, थोड़ा मोड़ेगा, वो एक्टिंग के तौर पे देखोगे थोड़ा इस तरह मोड़ेगा पैर। तो इस तरह किया, तो मैंने इस तरह किया, यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे आके ऐसा यूँ इस तरफ कर रहा है, यूँ यहाँ पे आया इस तरह ऐसा। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये जल्दी होना चाहिए तो मैं जल्दी कर सकता हूँ, मतलब थोड़ा पीछे ला सकता हूँ, तो अभी ये नॉर्मली इतना सा ऐसा। अगर मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा पीछे होना चाहिए तो थोड़ा सा मैं पीछे कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैं नॉर्मली शिफ्ट और शिफ्ट एफ करूँगा तो थोड़ा पीछे हो गया। पर लेकिन ये वाला देखना कि ये ड्राइंग यहाँ पे देखोगे कितना 13 है तो यहाँ पे कितना 12 है, बस इसको मैच करने के लिए यहाँ पे आपने सीधा 12 लिख लेना बस। तो इसके लिए ये फिर इतना जल्दी हो जाएगा ऐसा। तो इतना हो गया थोड़ा टेढ़ा, क्योंकि ये सीधा ज़मीन पे नहीं रखेगा पैर, थोड़ा सा मुड़ेगा और साथ में यहाँ पे देखोगे सिर्फ इतना सा पार्ट हुआ। कुछ प्रॉब्लम्स होता तो दोबारा काम करेंगे। इतना किया, इतना करने के बाद यहाँ पे देखोगे ऐसा किया और इसके बाद जब वो वापस ज़मीन पे रखेगा ना, तो और हम आगे जाके और एक की लगाएंगे, यहाँ पे आएंगे और आगे जाके हम एक नया एक F6 करेंगे। नया F6 किया और यहाँ पे आया, पूरा पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे आके इज आउट किया। तो इज आउट करने पे यहाँ पे देखोगे जैसे ये यहाँ पे आया, मैंने क्या किया, ये पूरा पार्ट पकड़ा बॉडी का और ये पॉइंट को यहाँ पे रखा, ज़रा सा इसको पीछे की तरफ ही बैलेंस किया ऐसा, ज़रा सा किया, बाकी बाद में देखता हूँ। और इन हाथों को और ज़रा बाहर की तरफ किया ऐसा, और इस वाले हाथों को और थोड़ा ज़रा बाहर की तरफ किया और इसके पैर के अंदर गया। पहले तो पीछे वाला की को आपने याद रखना कि कहाँ पे, यहाँ पे देखोगे जैसे ये इस तरफ आया, थोड़ा सा पैर यहाँ पे आगे की तरफ आया, आप चाहो तो इसके अंदर भी काम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये पैर जब आगे की तरफ आता थोड़ा सा आप यहाँ पे दिखा सकते कि पैर यहाँ पे यहाँ तक आया, तो इस वाले के अंदर जाओगे तो इसके अंदर जैसे डबल क्लिक करके जाओगे तो यहाँ पे आप F6 करोगे, पहले राइट क्लिक करोगे, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे आके ज़रा से इसको आगे की तरफ कर सकते ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ज़रा सा ये ऐसा आगे की तरफ आ गया यूँ ऐसा, लेकिन अभी यहाँ पे बाकी आप बाद में मैच कर सकते हो। इसको यहाँ पे आपने सीधा कर लेना नीचे की तरफ यूँ, सीधा किया यूँ, और ये जो जैसे ये पीछे की तरफ आएगा ना ये ऐसा, और यहाँ पे सीधा अपनी जगह पे आ जाएगा, ये यहाँ पे इस तरफ नीचे पैर रखेगा। और इसको मैंने अंदर गया और यहाँ पे वेबसिक्स किया और सीधा क्रिएट क्लासिक ट्विन किया और इसको ईज आउट किया ताकि आराम से पैर को ज़मीन पे रखे, और इसको सीधा लंबे की तरफ किया, लंबा मतलब बिल्कुल सीधा रखा मतलब लेंथ पे, और इसके बाहर गया और इसको थोड़ा सा इस तरफ किया और ज़रा सा इसको ज़मीन पे ऐसा रख लिया सामने की तरफ यूँ। और यहाँ पे देखोगे बॉडी का जो बैलेंस है ये अभी इस तरफ आ रहा है ऐसा, तो पूरा यूँ पकड़ा पार्ट को और ये पार्ट को पकड़ के पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे रखा, ज़रा से इसे पीछे की तरफ कर दिया यूँ, और जो ये हाथ है इनको भी ज़रा से इस तरफ कर दिया, ठीक है इतना थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ हो गया। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे ये इस तरफ आया और इसने ऐसा, अभी यहाँ पे देखोगे अगर मुझे लगता है कि ये काफ़ी मतलब ये पूरा पार्टी आगे की तरफ ला रहा है काफ़ी, तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ करता हूँ यूँ, तो इतना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे इस तरफ आया और इसका इस तरह ये पीछे की तरफ जा रहा है ये ऐसा, और ये अपनी जगह पे, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा काम कर सकता हूँ। तो मैं पूरा सेलेक्ट किया, पूरा सेलेक्ट करने के बाद ये पॉइंट को यहाँ पे लाया, ज़रा से इसको बैलेंस के लिए थोड़ा सा पीछे की तरफ किया और देखा कि यहाँ पे ये उस तरह और ये यूँ। तो ये ऊपर की तरफ देखो, हेड पे ध्यान देना, खाली थोड़ा नज़दीक ले जाता हूँ, हेड पे ध्यान देना, तो यहाँ पे हेड ऊपर की तरफ उठ रहा और यहाँ से नीचे, और यहाँ पे चाहता हूँ मैं ये हेड मेरा और थोड़ा नीचे की तरफ आए ऐसा, ठीक है।
एक्टिंग ना एकदम से नहीं होता है, बार बार देखना पड़ता है। मैंने भी बहुत पहले किया तो मैं भी बार बार देखूंगा कहाँ पे बेस्ट है कहाँ पे बेस्ट नहीं है। बस तरीका होता है वही समझना होता है कि अच्छा हमने डुप्लीकेट किया ऐसा किया, बाद में आपको लगता है यार ये तो नॉर्मल काम है कोई भी कर सकता है, तो वैसा ही होता है। तो इस तरह कर दिया और इस तरह मैंने पहले ये देखो ऊपर की तरफ उठा और यहाँ पर आया और इस तरह यहाँ पर ये और बाहर थोड़ा इसको और निकालता हूँ ताकि और अच्छा आ जाए यूँ, और इतना कर दिया तो ये यहाँ पे इस तरह पैर यूँ रखेगा और अपनी जगह पे इसने पैर रख लिया ऐसा। तो ये पैर इतना यहाँ पे देखोगे ये अपनी जगह पे इसने पैर यूँ रख लिया ऐसा। और थोड़ा सा मैं इसको और आगे करता हूँ, जैसे इसने इसका पैर यहाँ पे रख लिया और यहाँ पे मैं एप्सिस करता हूँ और यहाँ पे आके थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, भले इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ लाइक थोड़ा एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा और बड़ा किया ताकि आराम से वो बॉडी दोबारा मूवमेंट हो। यहाँ पे किया और क्रिएट क्लासिक ट्विन इज आउट और यहाँ पे आया और यहाँ पे इन सारे पार्ट को पकड़ा, अपर पार्ट को और पॉइंट को मैंने यहाँ पे रखा और ज़रा सा इसको पीछे की तरफ कर दिया ऐसा। और हेड को भी मैंने ज़रा सा नीचे की तरफ भी कर सकता हूँ, वैसे नीचे की तरफ भी कर दिया, सामने की तरफ रुका और ये हाथ को वापस अपनी जगह पर ला दिया ऐसा पीछे की तरफ और इस वाले हाथ को भी ज़रा सा इसकी तरफ। यानी कि हमने काम क्या किया, अंदर किया, जो ये जो वॉक वाले पे था ना तो यहाँ पे हमने काम किया, ये आया और अपनी जगह पे यूँ रुक गया ऐसा इतना। तो अगर मुझे लगता है कि थोड़ा पीछे करना है तो पीछे कर सकते हैं ऐसा, शिफ्ट F5 से पीछे करो और ये अपनी जगह पे थोड़ा इस तरह हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो हमने क्या काम किया इसके अंदर, बाद में आपको दिखेगा बाहर कैसे काम हुआ, ये ऐसा आके रुक गया। तो अब जब आप आउटपुट में देखोगे बाहर आओगे तो ये काम किस पे हुआ है, ABC में। तो यहाँ पे देखो जब वॉक करेगा ये अपनी जगह पे यूँ रुकेगा, यूँ आएगा और यहाँ पे ऐसा रुकेगा। अब मैं कंट्रोल एंटर पहले तो जो इसके अंदर है ना ये कभी भी यहाँ तक नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ तक रखोगे तो जो हमारा ABC है वो लूप में चलता रहेगा। तो इसके लिए हमें इसको आगे करके रखना जितना भी है। इसके बाद जब मैं बाहर आऊँगा, जब मैं यहाँ पे एंटर मारूँगा आपको दिखेगा ऐसा,